राहत इंदौरी जी कहते हैं कि उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। और जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओ, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। और देखिए, अगला शेर सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब की तरह मैं भी अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इसलिए जब कभी भी ये मैं नासूर देखता हूँ ना, नफरतों के नासूर या रंजिशों के नासूर, तो मेरे अंदर का शायर चीख उठता है एकदम। हम लोग उस धरती से जुड़े हैं जहाँ जब दो सेनाएं युद्ध करती थी, तो शाम का जब बिगुल बज जाता था कि सनसेट होते, तो उसके बाद कोई युद्ध नहीं होता था। उसके बाद लोग आते थे अपने अपने जख्मी और मरे हुए सेनानियों को उठा के अपने शिविर में ले जाते थे। युद्ध के टाइम पे भी जब किसी पे हम लोग तीर चलाते थे, तो पहले सावधान आवाज आती थी, तब तीर चलाते थे। और अब यह आलम है कि जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के कुछ लोग सोए हुए हैं, रात को सोए हुए हैं, और कुछ बुजदिल आके उनको गोलियों से बुलाए जाते हैं। 17 लोग हमारे मरे थे आधी रात को सोए हुए लोगों के ऊपर गोलियां चला के, ये आलम हो गया। तो इसको देख के राहत इंदौरी ने एक शेर लिखा, जो अगला शेर है कि उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, और शाम के बाद वो शेर कि शाम के बाद जब सहर देख लो, शाम के बाद जब सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। शाम के बाद जब सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। और दोस्तों से मुलाकात के नाम पर, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियां चबाया करो, दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियां चबाया करो। और चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, इसको यूं कहें कि चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, और भी बढ़िया कह सकते हैं, चांद सूरज कहाँ और अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वैसों से मुंह मत लगाया करो। चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वैसों से मुंह मत लगाया करो। और आखिरी शेर कि घर उसी का सही, घर उसी का सही, घर उसी का सही, तुम भी हकदार हो, घर उसी का सही, तुम भी हकदार हो, रोज आया करो। वाह वाह।